जय हिंद दोस्तों। डीएडीआर पर बड़ी अपडेट आई है। बता दें, एआईसीपीआईएन के 3 महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़ों पर बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कर्मी, पेंशन भोगी और सैनिकों को 3 दिन बाद बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बता दें, डीए 50% के बाद 4% जुलाई में बढ़ने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एआईसीपीआईएन के आंकड़े जो उस पर बड़ी अपडेट आई है, लेबर ब्यूरो की तरफ से 3 महीने के एआईसीपीआईएन जनवरी के जारी कर दिए गए थे, फरवरी, मार्च और अप्रैल के जारी नहीं किए गए थे। उसके बाद एक आरटीआई डाली गई और आरटीआई से जो जवाब मिला है एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के ऊपर पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं। आरटीआई डाली गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की को डाली गई थी। ये जो आरटीआई डाली गई है, नितिन कुमार तलान की तरफ से डाली गई है। और बता दें, इस आरटीआई में पूछा गया था सीपीआई आईडब्ल्यू के जो आंकड़े हैं, फरवरी महीने के, मार्च महीने के और अप्रैल महीने के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए, इस पर क्या जवाब है मिनिस्ट्री का। तो उस पर रिप्लाई जो आया है एआईसीपीआईएन के आंकड़ों पर, बता दें जो रिप्लाई आया है आप देख सकते हैं, ये रिप्लाई है, रिसीव किया गया है 24/4/2024 को। 24/4/2024 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ को रिसीव किया गया है और 25/5/2024 को जो रिप्लाई आया है लेबर ब्यूरो की तरफ से, और इसमें कहा गया है डिटेल जो आपने मांगी है वो डिटेल कुछ ही दिनों में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। किसी जो कोई रीजन है उन रीजन की वजह से, वो रीजन बताया नहीं गया, इन रीजनों किसी रीजनों की वजह से ये आंकड़े जारी नहीं किए गए। लेकिन मैं बता दूं, अंदर की बात ये है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहे थे, आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए ये एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब ये जो रिजल्ट आएगा 4 जून को, उसके बाद एआईसीपीआई के आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। और बता दें, ये जो एआईसीपीआई के आंकड़े फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के जारी किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। अभी तक एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जो आरटीआई से जवाब आया है, किसी कारण से ये आरटीआई जो कुछ दिन बाद आपके एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी किए जाएंगे, किसी कारण से जारी नहीं किए गए। तो उसका कारण यही हो सकता है लोकसभा के चुनाव, और लोकसभा के चुनाव 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद ये आंकड़े जरूर जारी हो जाएंगे। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।